नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग सेकंड के पार्ट नंबर 3 बिहारी के अभ्यास प्रश्न उत्तरों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं आपको इस चैप्टर के रिवीजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी पूरी लाइफ में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। प्रथम क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इसका उत्तर देखते हैं हम यहाँ पर। जेठ मास यानी कि जून के महीने की दोपहर की प्रचंड गर्मी में तो छाया भी छाया की इच्छा करने लगती है, यानी इतनी गर्मी होती है कि छाया को भी छाया ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। अर्थात छाया रूपी नायिका भी जेठ मास की प्रचंड गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, यानी कि जो भी नायिका है वो जून महीने की प्रचंड गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, क्योंकि भीषण गर्मी प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी दग्ध कर देती है, प्रकृति को भी क्या कर देती है, प्रॉब्लम खड़ी कर देती है उसके आगे। तो लगता है कि छाया भी कहीं छाया में चिपककर बैठ गई है। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि केहरे सबु तेरो यो मेरे ये की बात से स्पष्ट कीजिए। वो इसलिए कहती है, बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है, यानी जुदाई की अग्नि में जल रही है। वह अपने मन की बात नायक को बताने में असमर्थ है, वो बता नहीं पा रही है। वह कागज पर अपने प्रियतम को संदेश लिखना चाहती है, परंतु आंसू पसीने व कंपन के साथ निष्फल हो जाती है, यानी लिख नहीं पा रही है। किसी अन्य के माध्यम से नायक को संदेश भेजने में उसे लज्जा आती है, यानी शर्म आती है। नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है, जैसा प्रेम उसके मन में है वैसा ही प्रेम उसके हृदय में भी है, यानी दूसरे वाले के हृदय में भी है, नायक के हृदय में भी है। प्रेम हृदय की भाषा स्वयं जान लेता है, अतः इससे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रह जाती, वह खुद ही समझ लेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसको स्पष्ट करना है हमें। सच्चे मन में ही ईश्वर का वास होता है, अर्थात सच्चे मन में ही राम बसते हैं, क्योंकि सच ही तो ईश्वर है। कच्चा मन अर्थात विषय यानी कि जहरीला मन तो भोग विलास विषय वासनाओं में उलझा रहता है। जिसका मन साफ नहीं होता वे भौतिक सुखों की चकाचौंध में ही फंसे रहते हैं। माला जपना आडंबन है यानी दिखावा है, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच्चे मन सच्ची श्रद्धा तो सच्ची लगन से ही राम की प्राप्ति होती है। यानी बहुत से लोग छापे लगवा लेते हैं, माला जपते हैं, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं होता, उनको ईश्वर के दर्शन कभी भी नहीं होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, गोपियाँ रसिक शिरोमपी श्री कृष्ण से बातें करने की लालच में उससे निकटता अधिक समय तक पाने की इच्छा रखने के कारण श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती है। यानी श्री कृष्ण की बांसुरी अगर छुपा लेंगी तो श्री कृष्ण बांसुरी ढूंढेंगी और उस मौके का फायदा उठाते हुए गोपियां उनसे बात करेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण सदा मुरली बजाने व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण गोपियां उनसे बातें नहीं कर पाती हैं। वे उनकी मुरली छुपाने का उपाय सोचती हैं, क्योंकि जब मुरली उनके पास नहीं रहेगी तो वे उनसे मुरली के बहाने बातें करेंगी और मुरली ढूंढने की में उनकी सहायता करने के बहाने बातें करेंगी। उस उद्देश्य से वो जानबूझकर श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, बिहारी कवि ने सभी उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि बिहारी जी ने सभी की उपस्थिति में भी बिना शब्दों के कैसे बात की जा सकती है, इस रहस्य के उद्घाटन का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। लोगों की उपस्थिति में तथा भरे हुए भवन में प्रेम प्रेमिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। आंखों की सांकेतिक भाषा से दोनों एक दूसरे के हृदय की बात जान लेते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं लगती। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए पहला हम समझते हैं, मनोनीलमणि सैर पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इसका उत्तर देखते हैं, इसका भाव स्पष्ट करना है हमें यहाँ पर। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर पीतांबर ओढ़े, यानी कि उनका जो सांवरा शरीर है पीले कलर के कपड़े ओढ़कर दिव्य स्वरूप जैसा प्रतीत हो रहा है, दिव्य लग रहा है एकदम। कैसे लग रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का सूर्य शोभायमान हो, यानी कि सुबह नीलमणि पर्वत पर सूरज की जो छाया है वो पड़ रही है, अर्थात सुबह का सूर्य जगमगा उठा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कब, जब सांवले शरीर पर उन्होंने पीले कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तब प्रश्न नंबर 2 है, जगतु तपोबल सौ
दीरद दाग निदाथ। तो इसका उत्तर देखेंगे, इस पंक्ति का भाव है कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के समय में प्रचंड ताप से संपूर्ण वन तपोवल जैसा पवित्र बन गया है। तपोवल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी ऋषि मुनि बिना किसी वैर भाव के रहते हैं और कोई भी आपसी दुश्मनी यहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं है, जंगलों में हिंसा का नामो निशान होता है ना, जैसे कि शेर किसी को खाता है, कौन किसको खाता है, इस तरह से यहाँ पे हिंसा का अब कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। आपसी वैर भाव को बुलाकर सबने मैत्री भाव विकसित कर लिया है, सब एक दूसरे के फ्रेंड टाइप बन गए हैं। शेर और हिरण और सांप मोर जैसे शत्रु भी समान रूप से एक दूसरे पर आक्रमण किए बिना गर्मी सहन कर रहे हैं। जैसी तपस्वियों और ऋषियां पाकर बैर भाव रखने वाले हिंसक पशु भी एक साथ निवास करते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर जपमाला छापे तिलक सरेना एकु कामु मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामु। इसका हम यहाँ भाव समझते हैं, इन पंक्तियों का भाव है कि माला जपने से मस्तक पर तिलक लगाने से अर्थात बाहरी आडंबनों द्वारा दिखावे द्वारा भक्ति करने में एक भी कार्य पूर्ण नहीं होता तथा इससे सच्ची भक्ति नहीं मिलती है। जो केवल दिखावा करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। सच्ची भक्ति तो मन की सच्चाई श्रद्धा और सच्ची लगन से ही मिलेगी, क्योंकि सच्चे मन में ही राम का निवास होता है। अर्थात कवि ने भारी आडंबनों यानी कि दिखावा का खंडन करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करने पर प्रबल बल दिया है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे हमें भाषा अध्ययन की ओर। तो भाषा अध्ययन में हमसे बोला है, सत्यसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अध्याय की मदद से बिहारी विषयक इस दोहे को समझने का प्रयास करें। इस दोहे से बिहारी की भाषा संबंधी किन विशेषताओं का पता चलता है? तो उसका उत्तर देखते हैं, कवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे को पढ़ने से पता चलता है कि बिहारी गागर में सागर भरने की कला से सिद्ध हस्त हैं। वे कम से कम शब्दों में अत्यधिक बात तो कहने की कला में निपुण हैं। सतसई के दोहे के माध्यम से उन्होंने कम से कम शब्दों में भावों को अभिव्यक्त करने की के अलावा अर्थ गांभीर्य के भी दर्शन दिए। ये दोहे मन की गहराई को छू जाते हैं। इसके अलावा उनके दोहों में ब्रजभाषा की सरलता कोमलता और मधुरता प्राप्त होती है। इन दोहों में श्रृंगार रस संयोग वियोग दोनों तथा भक्ति रस घनी भूत हैं। अनुप्रयास रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग होने से भाषिक सौंदर्य बढ़ गया है। आगे देखते हैं योग्यता विस्तार, बिहारी कवि के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और परियोजना पुस्तक में लगाई है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर छात्र परियोजना तैयार कर सकते हैं। जीवन परिचय की बात करें, जन्म हुआ था उनका 1595 में, जन्म स्थान था ग्वालियर के पास, बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान था, पिता केशव राय थे। शिक्षा 8 वर्ष की उम्र में ग्वालियर से ओरछा आना और संस्कृत काव्य का अध्ययन किया। केशवनाथ से काव्य शास्त्र की दीक्षा ली। आगरा आकर फारसी का अध्ययन करना, रहीम द्वारा उनकी रचनाएँ सुनना और पुरस्कार देना, राजाश्रय शाहजहाँ के अलावा राजस्थान जोधपुर तथा बूढ़ी जैसे रिहाई रिसायतों की शासकीय वृत्ति, जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबारी कवि और प्रतिदिन एक अशरफी की प्राप्ति। देहांत कब हुआ था उनको? 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। रचनाएं की बात करें तो बिहारी सतसई इसमें 700 दोहे हैं और काव्यगत विशेषताएँ श्रृंगारिक दोहों के प्रति प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे यहाँ पे भाव पक्ष की अगर हम बात करें, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए नायक नायिकाओं की प्रेम क्रीड़ाओं और सुंदरता का चमत्कारिक वर्णन किया है इन्होंने। नीति एवं संबंधित दोहे की रचना की है। कलाकल्प कम शब्दों में अधिक कहने की महारत हासिल है और इसे प्रसिद्ध होता है। कौन कौन से हैं हमारे यहाँ प्रसिद्ध दोहे, कौन कौन से हैं? सत्या के दोहरे जो नावक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर, पहला ये है। दूसरा हमारा, कहत नटक रिचट खिचट मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनु ही सब बात। ठीक है, ये दो हो गए। और इसके बाद कई अलंकारों के साथ प्रयोग, सोहत ओड़े पिटू पटु श्याम सलोने गात मनोनीन वनि सेन पर आतपु प्रयोग प्रभात। इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर पूत्र कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे।